दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है बाबा के ब्लॉग के अंदर। और दोस्तों आज मैं तुमको लेकर आया हूँ सिंगदार अलवर सिटी, जो सरिस्का सिटी बोले जाता है। सरिस्का आपने रिजॉर्ट का नाम भी सुना होगा, और सरिस्का है एक तरीके से जो बाघ का जो कंजर्वेशन है उसका भी नाम है, जो अलवर के अंदर है। उसी के नाम से ही सरिस्का फन सिटी अलवर सिटी के अंदर बनाया गया है, जो राजस्थान का सिंगदार बोला जाता है, जो दिल्ली जयपुर मार्ग के NH 8 के ऊपर पड़ता है। आपको दिखा, ये देख सकते हो सरिस्का फन सिटी, ये इसके ऊपर लोगो है जो दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। और ये इसका एंट्री दरवाज़ा है, जो ऐसा लगता है किसी वीडियो गेम की एंट्री का एक तरीके से लोगो है। ये जो राजस्थान का विजय स्तंभ है उसका एक तरीके से प्रारूप दिया गया है, जो राजस्थान पुलिस के भी जो चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। और ये सरिस्का फन सिटी का जो एंट्रेंस है, यह देख सकते हो, मतलब शेर है दरवाजे के ऊपर दो दो, ऐसा लगता है जैसे ये दो वो मूवी है तो सर ही वो जिसमें न्यूट्रॉन और वो होता है। और ये एक ओल्ड राव होटल की शाखा है, इसी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। बार दोस्तों देख सकते हो, ये मेरे जस्ट पीछे है। और ये जैसे अल्ट्रॉन वगैरह, मेगाट्रॉन, अल्ट्रॉन दो खड़े कर रखे हैं, जो मूवी है। ये यहाँ पर आपको होटल की सुविधा भी मिलेगी, खाना खाने पीने की और हर तरीके की सुविधा है यहाँ पर आपको। ये जो ओल्ड राव होटल है, इसके अंदर जो थाली सिस्टम है, हमने थाली सिस्टम का देख सकते हो आप, थाली में क्या क्या आता है। ये कुछ मतलब जो सब्जी, चटनी, स्नैक्स में मतलब रायता, चटनी, प्याज, और ये नॉन, मतलब एक आदमी के लिए पर्याप्त है दोस्तों। दोस्तों ये होटल को देख सकते हो आप, अंदर से ऊपर का खैर अभी बना नहीं है, लेकिन जस्ट नीचे का आप देख सकते हो खाने पीने का। ये सोडा बार है, बाहर की तरफ भी इसका शॉप खुला पड़ा है। ये दुकान वगैरह है, स्क्रीन थोड़ी सी उठी हुई दिख रही है। यहाँ मॉल टाइप से मतलब इसको डेवलप किया है, आप देख सकते हो ऊपर की लाइटें, नीचे क्या मस्त। और बैठने के यहाँ 1x1 की मतलब उस हिसाब से ब्रेंच सेट की गया है। और ये बहुत लंबे एरिया तक है, मतलब आप पूरा देख सकते हो। संस्कृति फ्रेश चिकन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। भैया मोबाइल नंबर भी लिख रखा है, भैया ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हो क्या? ऑनलाइन तो कुछ क्वांटिटी माल हुआ तो सर। अच्छा, क्वांटिटी में माल हुआ तो आप डिलीवर करते हो? कम से कम 4 प्लेट तो जाएगा। अच्छा, 4 प्लेट कम से कम हो तो ही आप घर पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, हाँ दोस्तों अगर आप इस होटल पर आओ खाओ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपका जैसे पार्टी वगैरह या पिक्चर वगैरह या क्रिकेट मैच वगैरह देखना हो तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते। अच्छा, हो आईपीएल लाइव चलेगा यहाँ पर, देखो बैठो खाओ। अच्छा, ये देख सकते हो दोस्तों, ये आईपीएल वगैरह लाइव चलाने के लिए भैया जी ने मतलब चार चार वो है, यहाँ खाओ पियो आओ, ऐसा करो, न्यूज़ देखो कुछ भी आराम से। भैया आपका नाम? कमल शर्मा। कमल शर्मा भैया का सिर्फ यहाँ पर काउंटर संभालने का काम करते हैं भैया जी, और सेफ वगैरह यहाँ के अलग हैं, तो आप देख सकते हो। पेड़ भैया नकली है या असली नहीं है, कहीं आप असली समझ लो, लेकिन यार थोड़ा सा एक तरीके से सजाने का तरीका बड़ा शानदार है। यहाँ वेंडर मशीन लगाई है, अभी तो खैर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। दोस्तों देख सकते हो यहाँ सैम पिज़्ज़ा का भी दुकान खुलने वाला है, उसके अलावा संकल्प, टेस्ट ऑफ साउथ एक्सप्रेस, जितने भी मतलब साउथ वो है इंडियन, उनका भी शॉप खुलने वाला है। और इसके अलावा ये
बगर वाउचर जो उसकी दुकान शॉप है वो यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ मैं। इन्होंने ऑर्डर हेयर पिक हेयर का अलग अलग सिस्टम कर रखा है, जो मेन्यू देख सकते हो आप दोस्तों। सैंडविचेज भी आपको मिलेंगे, कौन कौन से आप देख सकते हो, और वेज बर्गर के अंदर कौन कौन से है ये भी आप देख सकते हो। मतलब ये अगर आप यहाँ पर आओगे तो भैया गर्लफ्रेंड का पूरा प्लान पैक हो सकता है आपका, कम में बम बोला जाता है ना जिसको, और स्विमिंग पूल में डुबा कर मार भी सकते हो। और भैया इसको कौन नहीं जानता, अलवर में जो आएगा वो तो जानेगा, सिंस 1947 बाबा ठाकुरदास जो कलाकंद है, इसके कारण अलवर को एक अलग ही पहचान मिली है। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और दूसरा टीजा स्नैक्स सैंडविच स्टोर, ये नंगड़ी सर्किल पर, मैंने आपको वीडियो में दिखाया नंगड़ी सर्किल, ये वहीं पर कॉर्नर पर है, इसका भी एक दिन वीडियो कवर करेंगे। और ये एंट्री हुई थी हम इसी होटल में। टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए आई लव अलवर, जैसे आई लव नागपुर, आई लव इंदौर ऐसे लिख रखा है, इस तरीके से यहाँ पर आई लव अलवर। और इसके साथ साथ जो मतलब सरिस्का का, खैर यहाँ तो एलिफेंट दरवाज़ा दे रखा है, वैसे तो हाथी है नहीं आके सरिस्का में, लेकिन जो इतने भी यहाँ पर दिखा रखा है, जितना भी सांबर वगैरह है, हिरण है, और बघेरे यहाँ पर सबसे तादाद में बघेरे मिलते हैं, मतलब जिनको आप लॉपार्ड बोलते हैं, तो उन सब का एक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों आपके सामने जस्ट ये होटल था, होटल के जस्ट बाजू से हम निकल के आए, और ये आपके सामने जो मैंने अलवर का किलर, दोस्तों तो चलते हैं अंदर, आप लोगों के सामने हम आज का नज़ारा देख सकते हो अलवर का, मतलब ये बारिश के मौसम में जो नज़ारा रहता है ना भैया, बड़ा ख़तरनाक है। और दूसरी बात, ये जस्ट मतलब यहाँ पर जो पहाड़ी पड़ती है उसके जस्ट बाजू में है, और यहाँ से पहले नहर वगैरह निकला करती थी, तो आप देख सकते हो यहाँ फूड कोर्ट है, बैठने की यहाँ पर काफ़ी सुविधा है। मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँगा, उससे पहले पास ही दिखा देता हूँ जाली से, अभी रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर काफ़ी कुर्सियाँ है बैठने की, मतलब यहाँ पर 500-600 आदमी, और ये पूल पार्टी वगैरह आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ बच्चों के खेलने के लिए छोटू मोटू है, ये कौन सा इंस्पेक्टर है, कौन सा इंस्पेक्टर मुझे पता नहीं है, और ये चिड़िया है जो स्पाइडरमैन कौन जानते हैं, ये बालिका बधू है, ये अपना कौन सा हीरो है पता नहीं, ये इसका तो पता छोटा भीम है, और ये अपना जो है टॉम एंड जेरी, भैया मोगली भी आ गया है क्या, नहीं बलू भी आ गया, और ये सुपरमैन, भैया सुपरमैन का हाथ तो दीवार फोड़कर ऊपर तक निकल गया है। ओहो हो हो हो, ये सूरज महल है भैया, जो अलवर का सूरज महल है, हालांकि बोटिंग में आदमी दिखा दिया, आदमी नहीं चलते, लेकिन ये अलवर का जो सूरज महल है दिखाएंगे। ये हमारा ब्लॉक में जो छतरी दिखाई देती है सूरज महल के विपरीत है, ये वही है, ये वेलकम टू, जब टू आता है तो टू इसी महल का आता है जो हमने दिखाया है। ये थोड़ी सी कलाकृति वगैरह दिखा रखा है, और इसके अलावा अलवर के जितने भी टूरिज्म के जो देखने के, ये सरिस्का रिजॉर्ट, मतलब सरिस्का जो रिजर्व कंजर्वेशन है उसका दिखा रखा है यहाँ पर, अभी घूमने के लिए भी आए थे। और ये हमारा होप सर्कस है, महादेव जी के आकार का जो ज्योतिर्लिंग है जिसको हमने कवर कराया है, और हनुमान जी का टीला, ये थोड़ा आउटसाइड है, पार्किंग की फुल सुविधा मिलेगी आपको, देख सकते हो कितना बड़ा एरिया कवर है, ये पूरा पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर, खुला वहाँ से वहाँ तक है, और ये जो पूरा पानी का जो बड़ा है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर वाटर पार्क का जो टाइमिंग लिख रखा है, आप इस टाइमिंग पर ही आ सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी कंडीशन टर्म्स है आपको पूरा है, टिकट काउंटर खुलने का क्या टाइम है, फ़ोन पे भी कर सकते हो भैया, मोबाइल का जितने भी वो रहता है पूरा पूरा वो भी हो सकता है, अगर आप वॉलेट नहीं लाते हो मोबाइल है तो उससे भी काम चलेगा। और ये कुछ बता रखी है वाटर पार्क अंदर, ये तो सही है, ड्रिंक्स पीना तो मना ही रहता है, और कपड़े में कॉस्ट्यूम ही मान्य है। इसके अलावा दिशा निर्देश आप एक बार पढ़ सकते हो, बाद में कहीं आप बोले भैया हमको पता नहीं था, हम आ गए वीडियो देखकर, तो आप एक बार दिशा निर्देश को अच्छे से,
बाहर का खाना पीने का सामान प्रतिबंध है। हाँ भैया, अपनी कार में बैठकर खा सकते हो, ऐसा नहीं है अंदर लेकर जाओगे, क्योंकि फिर आपका टिफ़िन धोने के लिए कहीं आप स्विमिंग पूल में टिफ़िन को बर्तनों को धोने लग जाए। बच्चे की हाइट नापने का भैया पूरा प्रबंध कर रखा है, कहीं कोई बड़े लड़के की हाइट कम हो बच्चा बन जाए चिचोरे मूवी की तरह। ये यहाँ टिकट दिखा रखा है पूरा, कितने से कितना एंट्री फीस है, मंडे टू सैटरडे हॉलीडे का ये मतलब अलग अलग का रहता है। यहाँ अंदर जो पूल पार्टी चल रही है उसके गाने की आवाज़ आप सुन सकते हो। दोस्तों इसके अलावा ये इंग्लिश में भी दे रखा है, थोड़ा सा इसको और मैं कवर करके दिखा देता हूँ। और ये रेट वगैरह आपको पूरा तो दोस्तों इसके आगे की हम वीडियो अपने घर से ही, क्योंकि मोबाइल के मतलब डीजे की आवाज़ काफ़ी आ रही थी और बच्चे नहा रहे पानी का छींटा चल जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा सेफ्टी के साथ कवर किया है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मतलब अंदर स्विमिंग पूल है और काफ़ी मतलब टर्न होकर स्लैब वगैरह लगी हुई है, ये बच्चों का वो है, इसका अंदर सनबात वगैरह भी ले सकते हो। और ये एक रिपेस पट्टी सी, इसमें नाव के द्वारा जाया जाता है और फिर वापस टर्न होकर आया जाता है, दोस्तों आपके सामने देख सकते हो। और ये बच्चों के है मतलब ये काफ़ी गहरा आगे के जाने पर गहराई है, वरना इसके अंदर आप बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। आपको हम दिखा देते हैं कुछ ऊपर का व्यू भी, ये ऊपर से उसी मतलब जहां बच्चे मैं बता रहा था छोटा उसी का ही व्यू है, ये ऊपर की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा ये तीन पानी के मतलब पाइप निकल रही है जिसमें टर्न होकर बच्चे रिपस कराते हैं नहाने के लिए उसमें स्विमिंग पूल के अंदर। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सटाक देने, ये हमारा एक मित्र निकलेगा देखना एकदम से, ये निकला तो देख सकते हो दोस्तों। और जो रिपस पट्टी की मैं बता रहा था आप देख सकते हो दोस्तों, ये साथ वाला ये गया, देखो ये गया भैया जाते जब बहुत डर लगता है। और ये देख सकते हो दोस्तों, इसके बाद ये कुछ समय के बाद बंद हो जाता है शाम को और इसके बाद पूल पार्टी चालू होती है, तो पूल पार्टी का आप मजा ले सकते हो दोस्तों हम लोगों के साथ। ये पूल पार्टी दोस्तों, ये पूल पार्टी यहाँ पर हो रही है और हमने इसकी आवाज़ बंद कर दी, क्योंकि यार गानों का म्यूजिक रहता है, म्यूजिक आते के साथ वीडियो में कॉपीराइट क्लेम दे देता है, इसलिए हमने इसका वॉइस भी रोक सकता है। आप देख सकते हो देखो पूल पार्टी वगैरह, ये देखो यार यूट्यूब पर डालते हैं तो उसके कारण हमने इसका वॉइस बंद कर दिया है, वरना फिल्मी गाने बजते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, टेक केयर, बाय बाय। महाकाल का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, इन्जॉय करिए।